Visit us at Eduvo. Thank you for calling Eduvo. Assalamualaikum दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत होंगे। आज हम सीखेंगे कि हम जो है ना वेब एक्सचेंज पे किस तरह अकाउंट बना सकते हैं। काफ़ी इजी है दोस्तों, कुछ समझ नहीं आती किस तरह अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट क्यों बनाना है ये मैं आपको बता दूं। अगर आप विश अरबेंडेंस पे काम करते हैं या किसी और वेबसाइट पे काम करते हैं, खासतौर पर विश अरबेंडेंस पे, वहाँ से विड्रा लेना तब भी आप वेब एक्सचेंज का अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आपने इन्वेस्ट करना है, पहली बार अकाउंट बनाया है, तब भी आपको यहाँ से जो है ना अकाउंट बनाना पड़ता है और यहाँ से वहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या यहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और अपनी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में जो है ना वो भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अकाउंट किस तरह बनाना है पहले तो मैं ये बताऊंगा और कंप्यूटर के ज़रिए बताऊंगा और इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि मोबाइल के ज़रिए आप जो है ना किस तरह अकाउंट बना सकते हैं वेब एक्सचेंज पर। आपने किसी भी ब्राउज़र पे आ जाना, कुछ करें ये गूगल क्रोम हो तो सर्च में यहाँ पे आपने लिखना वेब एक्सचेंज। तो जब इंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। तो मेन बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको जीमेल या फ़ोन नंबर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे जो मेन काम होता है वो आपकी प्राइवेट या सीड फ्रेजेस, सीड कीवर्ड्स, वहाँ वो कहाँ पे होते हैं, क्या करना है, उनको महफूज करके रखना होता है और यहाँ पे अकाउंट किस तरह बनाना है वो सब कुछ इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा गेट स्टार्टेड का बटन, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट योर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ क्रिएट योर पासवर्ड, आपने पासवर्ड यहाँ पे वही रखना है जो आपने जो है ना जो आपको याद रहे, वो वाला पासवर्ड नहीं रखना जो आपको भूल जाए। तो यहाँ पे आपने जो है ना कोई अपना पासवर्ड रख लेना है, मिनिमम 8 वर्ड हूँ और कोशिश करें मिक्स वर्ड ही हूँ। तो यहाँ पे आपने जो है ना पासवर्ड लिख लेना है, ठीक है। जब आपका पासवर्ड यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे जो रखना चाहें वो आप रख लें, ठीक है। उसके बाद नीचे आ रहा है कंफर्म पासवर्ड, आपने वही पासवर्ड लगाना है जो अभी आपने ऊपर लिखा है, यानी कि वो कंफर्म करा रहे हैं कि आपको पासवर्ड याद भी है जो लगाया है कि नहीं। तो वो जब आप कंफर्म कोशिश करें कि वही सेम पासवर्ड लगाएं जो ऊपर है, आपको वही पासवर्ड लगाएं जो आपको याद भी रहे। तो यहाँ पे आपने कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे टिक करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट पे यहाँ पे आपको जाना नज़र आ रहा है। आपका एड्रेस या आपने कॉपी कर लेना है, कहीं पे कॉपी करके पेस्ट नोट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मेन काम जो है ना वो आपने यहाँ पे अकाउंट नेम रखना होता है। यहाँ पे वो नेम रखें जो आपको याद रहे। तो उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है ना आपका बना हुआ अकाउंट वो नज़र आ जाएगा। तो मेन कीवर्ड जो बात कर रहा था, फ्रेज कीवर्ड है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आपको नज़र आ रहा होगा ये जो है ना आपको वर्ड नज़र आ रहा है, ये आपने कॉपी कर लेने, ये बहुत ही अहम होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपके साथ जो है ना पासवर्ड वो नहीं मांगते तो ये वर्ड लगाने होते हैं। जब आपका अकाउंट बन जाएगा इस तरह से जो है ना आपका सामने डैशबोर्ड आपके वैलेट का आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है ना रिसीव का ऑप्शन और सेंड का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप विश अरबेंडेंस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या वहाँ से विड्रॉ लेना चाहते हैं तो आपके पास जो है ना इस वैलेट में वेब एक्सचेंज पे यहाँ पे वीज़ा का वैलेट होना लाजमी है, जो कि डिफ़ॉल्ट वहाँ पे नहीं होता। आपने किस तरह लाना है तो वो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे नीचे, तो यहाँ पे कोई भी करेंसी का जो है ना आप वैलेट वो पेन कर सकते हैं। फ़र्क रहे आपने वीज़ा का लगाना है तो यहाँ पे WESA सर्च करेंगे, क्योंकि मैंने पहले से पेन किया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा। आपने क्लिक करके यहाँ से पेन के ऊपर क्लिक कर देना, तो इस तरह का एड्रेस जो है ना आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने कहीं से पैसे मंगवाने हैं विड्रॉ कराने के लिए, वहाँ से पहले आपको पैसे यहाँ पर लाने पड़ते हैं। लाने के लिए क्या करना है, आपने रिसीव पर क्लिक करेंगे वीज़ा के, तो यहाँ पे जो है ना आपका एड्रेस आ रहा होगा जो कि आपका वीज़ा का एड्रेस है, ठीक है। तो ये जो है ना आपने कॉपी करना है और अपने उसी दोस्त को सेंड करना है जहाँ से आप पैसे मंगवा रहे हैं, तो वो जो है ना आपको यहाँ पे सेंड कर देगा। जब पैसे सेंड करेगा तो यहाँ पे आपके पैसे जो है ना वीज़ा के आ जाएंगे, अगर आप विश अरबेंडेंस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर किसी और दोस्त को आप सेंड करना चाहते हैं तब भी आप जो है ना सेंड पे जाएंगे और यहाँ पे वो एड्रेस आपने लिखना है
जिसको सेंड कर रहे हैं, और जितना अमाउंट सेंड करनी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे US डॉलर में भी आपको शो हो जाएंगे। और ये हमेशा अक्सर जो है ना वेव में इनकी फ़ी होता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लग सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पैसे जो है ना उस उसको चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इस वीडियो के बाद जो है ना आप देख सकते हैं कि आप मोबाइल के ज़रिए किस तरह अकाउंट बनाएंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो आपने क्रोम ब्राउज़र को आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पे सर्च में आपने लिखना है वेव्स डाटा एक्सचेंज, और सर्च करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट वही वेबसाइट वेव एक्सचेंज वो ओपन हो जाएगी। हो सकता है मोबाइल पे थोड़ी स्लो लोड हो, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी वेबसाइट है, तो वेट कर लेना है लोड हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना अभी लोड हो रही है, मोबाइल पे जो है ना थोड़ी लोड ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपने आने के बाद आपने यहाँ पे तीन डॉट नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे आपने मेन्यू में आ जाना है, लास्ट में क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे प्रोटेक्ट योर अकाउंट, यहाँ पे आपने पासवर्ड वगैरह लगाना है जो रखना चाहिए, यही वो तमाम स्टेप है जो मैंने अभी आपको बताया है कंप्यूटर के ज़रिए आप किस तरह करेंगे। यही सारे स्टेप आपने क्रोम ब्राउज़र के तीन डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट दोबारा लोड होगी, तो आपके सामने ये वही जो है ना इंटरफेस आ जाएगा जिस तरह आपके पास कंप्यूटर पे आ रहा है। तो कंप्यूटर वाला जो आपने तमाम काम किया है वो सेम कंप्यूटर वाला एक्सपीरियंस लेके आप यहाँ पे दोबारा भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने वही सेम जो है ना पेज नज़र आ रहा है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।